यशवंत कोमल अब कैसी है? वैसी ही है, शांत। वही ड्राइंग्स, वही सपने। जब से स्ट्रिप से वापस आई है पता नहीं फिर क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स, ठीक हो जाएगी। पर कैसे ठीक हो जाएगी, एक महीने से चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी ना। यार ये हमेशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? अनवेश और मुझे शाम को एक पार्टी में जाना था, मैं सवेरे से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे तो अभय को फोन करो ना। कोमल अभी कहाँ है? खार गई है, किसी आर्ट गैलरी में कुछ काम है उसे। अभय, अनवेश कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या क्या कब? मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे क्या हुआ? अन्वेषा कल से गायब है। What? ये तो स्केचेस है। सॉरी, स्केचेस मैंने ही बनाए हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो कुछ खास बात है इन स्केचेस में जो तुम इसे यहाँ लाई हो? जी। क्या? इन पेंटिंग्स में जो जगह है और जो भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ बार बार मेरे सपनों में आती है। ये पिछले एक महीने से हो रहा है। और भी कुछ आता है इसके अलावा? नहीं सर, सिर्फ ये जगह है। सर जो भी इस पेंटिंग में हो रहा है ना, मुझे लगता है कि वो मेरे सामने हो रहा है, मैं वहां मौजूद हूं। ये लाल साड़ी में औरत का खून, कोई आदमी से गोली मार रहा है। सर आर्टिस्ट है, कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया होगा इसने, जो सोचा था बिल्कुल वैसे के वैसे ही सपने में भी आ गया। नहीं सर, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये हो चुका है या होने वाला है। अच्छा, ऐसी जगह पे तुम पहले भी कभी जा चुकी हो क्या? नहीं सर, ये जगह पे तो मैं कभी गई भी नहीं हूँ। तो फिर अचानक से ये सारे सपने आने के लिए? सर लास्ट मंथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे गई थी नैनीताल, वहाँ कुछ हुआ और उसके बाद से ये सब हो रहा है। क्या हुआ बताओ। नहीं सर, कुछ याद नहीं है। दोस्त कौन कौन थे वहाँ पे? सर मेरे दो फ्रेंड्स थे, इला और राहुल। इला और राहुल? उर्वी, कोमल से इला और राहुल के फोन नंबर्स ले लो, उनसे कांटेक्ट करो और कोमल को घर छोड़ दो। कोमल, क्या हम ये तुम्हारे स्केचेस, ये पेंटिंग्स रख लें, चलेगा? थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आइए आइए। सर ये कोमल जो सोच रही है ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है पंकज, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा घर ढूंढना होगा जो चर्च के आसपास हो, ये भी पता नहीं कि मुंबई में है कि मुंबई के बाहर है। रजिस्ट्रेशन के ऑफिस से पता करते हैं, अगर मुंबई में कहीं ऐसी जगह है तो पता चल जाएगा। सर
लोकल एसेसर और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस में भी पता करते हैं सर। देखते हैं कोमल ने जो कहा वो सच है या उसका सपना था। कुछ भी करके मेरी बीवी को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब। मेरी अन्वेषा आज तक मुझे बिना बताए कभी अपनी माँ के घर भी नहीं गई है। और आज हालत यह है कि 48 घंटे बीत चुके हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है। माना कहा होना इनसे मेरी अन्वेषा को ढूंढ के लाए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अन्वेषा को जल्दी ढूंढिए ना प्लीज। देखिए मैम हमको जादूगर तो है नहीं कि फोटो देखी और ढूंढ लिया। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अन्वेषा जी के गायब होने से पहले उन्हें आपने कहाँ देखा था और कब देखा था? कल दोपहर वो घर से निकली थी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बता सकते हैं कि वो कैसे गई थी? रिक्शा या फिर टैक्सी? हमारी कार लेके गई थी सर। ठीक है आप नंबर दीजिए गाड़ी का। ठीक है मैं उसका फोन नंबर सर्विलेंस पे डाल देता हूँ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ गाड़ी के बारे में। आप चिंता मत कीजिए हम उसे ढूंढ लेंगे। अच्छा सुनिए। जी सर। आपकी वाइफ ने जाने से पहले क्या पहना था? सर मेरी बीवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ सर वो हमें भी कैसे सपने के बारे में बोल रही थी। एक औरत थी लाल साड़ी में, एक गन थी। मगर वहाँ पे तो सर ऐसा कुछ नहीं था और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे तो इसमें से कुछ देखने को ही नहीं मिला। और तो पूरा टाइम वो हम लोगों के साथ ही है ना। अच्छा ऐसे सपने उसे कब से आने शुरू हुए? मतलब ट्रिप में जाने से पहले या उसके बाद में? सर ट्रिप में जाने के 2 दिन बाद। क्या हुआ था 2 दिन बाद? सर वहाँ कुछ शिकारी थे वो अचानक हमारे सामने आ गए और हम पे गन तान दी। और सर हम तो बहुत डर गए थे। और पता कोमल तो गन को देखकर इतनी डर गई थी कि वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी और फिर बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन शिकारियों ने तुम लोगों को तंग किया था? मतलब कुछ मारपीट या डराया धमकाया? नहीं सर वो तो खुद ही हमें देख के डर गए थे। इनफैक्ट जब कोमल बेहोश हुई वो तो वहाँ से भाग ही गए। सर चर्च के आसपास तो वैसा कोई घर नहीं है। हेलो कोशिश से काम नहीं चलेगा समझे? रिजल्ट कहाँ है? थैंक यू सर। सर कह रहा था कि मार्केट एरिया में शायद ऐसा घर मिल जाए। कुछ पता चला? नहीं सर। सर आप बोलो। सर ठीक ऐसे ही घर के बारे में पता चला जैसा मैं बताया गया था। कहाँ पे? पता नहीं ये सब हो चुका है कि होने वाला है। अगर कोमल गन देख के डर के बेहोश हो गई और उसके बाद उसे ये सपने आने लगे कहीं वो स्कूल का हिस्सा तो नहीं थी? सर अभी तक तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब सच है या सपना। विश्वास ही नहीं हो रहा। ठीक ऐसी जगह उस पेंटिंग में थी। सर कागजों में जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इस जगह को झील महल कहते हैं। ये झील महल कोमल के सपने में क्यों आ रहा है? ऐसी क्या बात है इस जगह में जो ये जगह उसके सपने में आ रही है? अच्छा इसके मालिक को बुलाया? हाँ सर मैंने इसके मालिक को फोन कर दिया है। यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है?
नमस्ते सर। सर आप यहाँ? हम यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? सर मेरा नाम अभय है, मैं ही इस जगह का मालिक हूँ। हाँ सर, सर इनकी वाइफ अन्वेषा गायब है और उनकी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिली है और उनका मोबाइल लोकेशन यहाँ ट्रेस हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए। हम भी यहाँ एक मर्डर की तहकीकात करने आए हैं। शायद किसी औरत का खून हुआ यहाँ पे, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। सर क्या बोला आपने? किसी औरत का खून हुआ है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी? हाँ। सर लाल रंग की साड़ी तो मेरी बीवी अन्वेषा ने भी पहनी हुई थी। करके तलाशी लो जल्दी। उसके माँ बाप को बुलाओ और डॉक्टर सालोके को भी। लगता है इस कोमल ने ये खून होते हुए देखा था अपने सपने में। सर, आपने कोमल का नाम लिया? वो माला और यशवंत की बेटी कोमल? हाँ। क्या उसने मेरी अन्वेषा का खून होते हुए देखा है? तुम इन सबको जानते हो? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। एक दूसरे को जानते हैं, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? एक मिनट, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ थी ना, तुम्हें तो जरूर कोमल ने बताया होगा, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी अन्वेषा मर चुकी है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई। कोमल कैसे अन्वेषा को खून होते हुए देख सकती है, वो भी खून होने से पहले? मतलब क्या तुम्हारा? अभय, कोमल पिछले 1 महीने से एक सपना देख रही है,
लाल रंग की साड़ी में किसी औरत का खून होते हुए। हमें लगा वो ऐसे बड़बड़ कर रही है। ध्यान से देखो, लाल साड़ी जैसे आपने देखा था और ये जगह भी ठीक वैसे ही जैसे आपने सपने में देखा था। सर ये जगह तो वही है, लेकिन अन्वेषा आंटी वो नहीं है जो मेरे सपनों में आती थी। वैसे भी वो औरत का तो गोली मार के खून हुआ था ना, उनका तो गला कटा है। एकदम सही कह रही है दया, ये बच्ची कोमल एकदम सही कह रही है। ये वो औरत नहीं है जिसका खून होते हुए इसने देखा। लेकिन डॉक्टर साहब आप गए, यहाँ आते वक्त नीचे मैंने खून देखा है, धूल में सना हुआ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सालों पहले खून हुआ होगा। सर मतलब यहाँ एक और खून हुआ है? शायद, और उसने भी लाल साड़ी पहनी थी और उसकी मौत हुई गोली लगने से। पूरी पेड़ी घर की एक बार फिर से तलाशी लो। अगर अब तक जो कोमल बेटी ने बोला है वो सच हुआ है तो ये भी सच ही होगा। सर इस लड़की को सब कुछ मालूम है सर, मैं दावे से कह सकता हूँ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को। एक महीने पहले मुझे सपना आया था कि मैंने किसी औरत को मरते हुए देखा, बहाने बना लिए सर, ये एक्टिंग कर रही है। सर आप पूछिए इससे कि किसने मारा है मेरी अन्वेषा को। अरे कोमल ने सपने में जिस औरत को मरते हुए देखा वो अन्वेषा नहीं थी। नहीं सर मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो यकीन है कि इसी ने मारा है मेरी बीवी को। क्यों मारेगी कोमल अन्वेषा को, क्यों मारेगी, क्या मोटिव है इसके पास? अबे आखिरी बार जब अन्वेषा से मिले थे मतलब उस वक्त उसका बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेके डिस्टर्ब थी वो, बर्ताव अजीब था कुछ उसका? जी सर डिस्टर्ब थी सर। वो डिस्टर्ब थी किस बात को लेके? सर दरअसल अचानक हमारा बिजनेस बंद पड़ गया सर, बर्बाद हो गए हम लोग, कंगाल हो गए एकदम सर। अन्वेषा ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। पैसे अरेंज करने वाली थी सर वो आज। पैसे? अन्वेषा की कॉल डिटेल्स निकाल दो, पता करो कौन कौन कॉल करता था उसे और किस किन लोगों से वो ज्यादा बात करती थी फोन पे, ठीक है? और उसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी निकालो। अन्वेषा का खून किसी पुराने अपराध से जुड़ा हुआ है। सर अंदर कुछ भी नहीं, अगर एक और खून हुआ तो कहीं ना कहीं लाश तो दिख जाती, लेकिन कुछ भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि लाश को मार के कहीं फेंक दिया या फिर जला दिया हो। एक मिनट, सीमेंट हो सकता है लाश को कहीं गाड़ दिया गया, क्योंकि कोमल के उस स्केच में सीमेंट का सॉल्यूशन था। तो कहीं वो एक काम करो, इस घर में पता करो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हाल ही में सीमेंट का काम हुआ है। चलो चले। Thank you.
पूर्वी रेडी। हाँ सर। दीवार बाकी के दीवार से एकदम अलग है। यहाँ पे ये प्लास्टर सब निकला हुआ है और ये दीवार एकदम साफ। दीवार में कुछ गड़बड़ है, ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। समझ में नहीं आता, एक लड़की जो कभी झील में गई ही नहीं, जिसने कभी किसी लाल साड़ी वाली औरत का खून होते हुए देखा ही नहीं, उसे इस तरह के सपने कैसे आते हैं, उसे ये सब कैसे मालूम? और हम उसकी बात को झूठा साबित नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसने जो जो बोला है उसके सबूत मिले हमें। क्या इसीलिए तो यकीन नहीं हो रहा है ना कि उसने ये अन्वेषा का खून होते हुए नहीं देखा? सर, कोमल के डॉक्टर से बात की मैंने, तो उनका कहना है कि ऐसी दिमागी हालत में उसके साथ हम लोग रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते। रिग्रेशन सेशन नहीं कर सकते, क्यों? सर, उनका कहना कि उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मैंने पूछा उनसे कि हमें कैसे समझेगा कि उसने जो सपने की बात बताई है वो क्या है, उसने कैसे बताई, तो उन्होंने कहा इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। ल्यूसिड ड्रीमिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ल्यूसिड ड्रीमिंग उसी को कहते हैं ना कि जब कोई आदमी सपने देखता है तो अपने सपनों से अनजान नहीं होता। यू आर राइट सर, इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये एक सच्ची घटना है और ये लड़की इस घटना का हिस्सा है, इसीलिए उसे सपने आ रहे हैं। अगर ये लड़की इस घटना का हिस्सा थी तो फिर वो हमको बता क्यों नहीं रही है? वो ये क्यों बोल रही है कि वो उस जगह को नहीं जानती, उसने खून होते हुए नहीं देखा? यही तो प्रॉब्लम है दया, यही समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की ऐसा कर क्यों रही है। ये कुछ छिपा भी रही है और बता भी रही है। एक बार इस कंकाल के बारे में पता चल जाए ना कि है कौन। बस ये कंकाल एक औरत का है जिसकी उम्र 38 से 40 साल की है और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 10 साल पुराना है। क्या मतलब उसका खून 10 साल पहले हुआ है? जो खून 10 साल पहले हुआ है उसका उसका सपना ये कोमल अभी कैसे देख सकती है? ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा ही हुआ है। अब बस इस औरत का खून हुआ है गोली लगने से। ये देखो यहाँ, ये पसलियों की हड्डी में यहाँ पर गोली लगी। और सर वो खून से सना हुआ जो उंगलियों के निशान मिले थे झील महल में, वो किसका था? वो भी इसी औरत के। डीएनए मैच कर लिया। फेस रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है इस अंकार का? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। तो कुछ और बता दीजिए जिससे इस औरत के बारे में हम कुछ पता लगा सकें। हाँ, इसके दांतों से कुछ पता चल सकता है। बस ये औरत जिंजिवाइटिस की पेशेंट थी और इस बीमारी के पेशेंट अधिकतर अपने लिए एक जबड़ा, एक डेंचर बनवा करके रखते हैं। हालांकि 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी पता किया जा सकता है, शायद कभी इसने डेंचर बनवाया। एक काम करो,
साभा और यशवंत के परिवार में देखो क्या कोई ऐसी औरत थी जिसे ये जिंजिवाइटिस की बीमारी थी। क्या बात कर रहे हैं ऑफिसर, कोमल ने जो सपने में खून होते हुए देखा था वो 10 साल पहले हुआ था, वो भी झील महल में। जी हाँ, और हमें लगता है कि कोमल उस वक्त वहां पे थी जब ये खून हो रहा था। ऑफिसर, 10 साल पहले कोमल 7 साल की थी, एक 7 साल की बच्ची वहां जाके क्या करेगी? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि एक 7 साल की लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर दूर झील महल में पहुंची कैसे? अकेली तो गई नहीं होगी, किसी न किसी के साथ ही गई होगी ना। ऑफिसर, जब कोमल छोटी थी तो हमारे साथ बाहर जाती थी और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी उसे झील महल लेके गया हूँ। वैसे भी झील महल 15 साल से बंद पड़ा हुआ। और कभी कभार वो बेलिंडा के साथ घूमने जाया करती थी। बेलिंडा कौन है? बेलिंडा कोमल की नैनी थी, उसी ने उसका देखभाल किया है। अब कहाँ है वो? 9 साल पहले उसने काम छोड़ दिया। उसका एड्रेस फोन नंबर कुछ तो होगा आपके पास? जी हाँ, देती हूँ। ये ड्राइवर कब से आपके पास? पुराना है? जी हाँ है। कब से काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे हैं सर। कभी कोमल मैडम को झील महल लेके गए हो? नहीं सर। यस सर। जी वहीं पे हैं सर। अच्छा, ओके ओके सर। या मिस्टर यशवंत, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे। झूठ तुम बोल रहे हो यशवंत, सब कुछ जानते हुए भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्यों करूंगा गुमराह? तुम्हें पता है क्यों नहीं? कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था उसे तुम जानते थे? सर, मैं नहीं जानता था कि कोमल ने जिस औरत का खून होते हुए देखा है वो उसकी माँ है, कल्पना। हमने उस स्केलेटन के डेंटल कार्ड से पता लगाया, जिस डॉक्टर से कल्पना अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराती थी उसी ने बताया कि वो औरत तुम्हारे परिवार से थी, तुम्हारी बीवी कल्पना यशवंत। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज कोमल को मत बताना कि उसने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है सर, प्लीज। वो टूट जाएगी सर। ठीक है, तो फिर सच्चाई क्या है वो तो बताओ। तुम्हारी बीवी का खून किसने किया और क्यों, और ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कल्पना बहुत साल पहले मुझे डिवोर्स देखकर वो मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? उसको किसी से प्यार हो गया था, बस 3 साल की कोमल को मेरे पास छोड़कर चली गई, तब से कोमल को माला संभाल रही। कोमल जानती है कि माला उसकी सौतेली माँ? नहीं जानती। ये कल्पना यशवंत को डिवोर्स देखे कहीं और चली गई थी तो फिर वो झील महल में आके कैसे मर गई? उसका खून होते हुए कोमल ने कैसे देख लिया? बहुत कुछ मालूम है मुझे, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना, जब उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों क्यों निकाल दिया? वो क्या है, एक बार जब कोमल बाहर से घूम के घर पे आई थी तो बहुत ही चुप थी, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके 2 दिन बाद वो ड्राइवर संपत, गिरने की वजह से उसके सर पे चोट लगी और वो अपनी याददाश्त खो बैठी। ये बात मैंने यशवंत जी और माला जी को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ही सुना दिया और फिर नौकरी से निकाल दिया। कोमल घूमने के लिए बाहर जाती है और जब वापस आती है तो चुपचाप है, और फिर कोई उसे सीढ़ियों से धक्का देता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। और कुछ साल बाद अचानक कोई आता है, कोमल पे गन तान देता है, कोमल बेहोश हो जाती है।
होश में आने के बाद उसे वो खून वाले सपने आना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा कोमल उस दिन जब चुपचाप लौटी थी वो किसके साथ लौटी थी? विकास जी के साथ। जहाँ कल्पना का खून हुआ था 10 साल बाद ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए अन्वेषा का वहां पे खून हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता बॉस। हो सकता है 10 साल पहले हुए खून की गवाह हो वो, और खूनी ने उसे किसी बहाने वहां बुलाया और मार दिया उसको। और इस अन्वेषा ने खूनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो कोमल की जान को भी खतरा हो सकता है। खूनी को डर होगा कि कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए, उसको भी मारने की कोशिश करेगा वो। अरे मम्मी ने कहा था ब्यूरो जाना है, पापा वहां हैं, तुम तो कहीं और ही लेके जा रहे हो। सही कहा, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास। क्या बकवास कर रहे हो, मम्मी तो घर पे है। माला, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ कल्पना थी, जिसका खून होते हुए तुमने 10 साल पहले देखा था। क्या? और अब तुम्हारी बारी, और न्यूज में आएगा कोमल की एक्सीडेंट में मौत। होशियारी मत दो। कोई है? सीआईडी बाहर निकल, चल इधर निकल, चल। कोमल को घर छोड़ दो। किसके कहने पे कर रहा है ये? हैं? बोल। विकास साहब। क्या हो गया विकास, कुछ बोलो ना भैया, थोड़ा जल्दी करो। क्या हुआ इनको? पता नहीं क्या हो गया सर, ये ऑफिस से आए मीटिंग से और ऐसे बेहोश हो गए। ले जो, जल्दी ले जो। जल्दी करो ना भैया। इसको तो जहर दिया गया, अब इसको किसने जहर दिया? हम सोच रहे थे कि विकास ही खूनी है, पर विकास ही शिकार बन गया। मतलब खूनी कोई और ही है। कौन सर? कहीं यशवंत तो नहीं? बीवी छोड़ के भाग गई थी तो बदला लेने के लिए धोखे से झील महल में बुला लिया उसे और मार दिया। माला भी हो सकती है। उसे डर लग रहा होगा कि ये कल्पना वापस ना आ जाए, इसलिए रास्ते से हटाने के लिए मार दिया माला ने। और अन्वेषा, अन्वेषा को क्यों मारा? सर अभय और यशवंत ये एक साथ बिजनेस कर रहे थे, शायद अन्वेषा को कुछ पता चल गया होगा जो उसे नहीं जानना चाहिए था, तो मुंह बंद कर दिया उसका भी हमेशा हमेशा के लिए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एक तरीका है, एक तरीका है। क्या? क्या सर? कोमल का साइको एनालिसिस, रिग्रेशन टेस्ट करते हैं कोमल का, 10 साल पीछे ले जाते हैं उसे जब वो 7 साल की थी, और फिर सवाल करते हैं उससे, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। मगर सर सभी साइकेट्रिस्ट सारुं के साथ सबने मना किया उसके साथ ऐसा टेस्ट नहीं करने के लिए, खतरा हो सकता है उसके लिए सर। अभिजीत करना है तो करना ही है, बस फिर देखा जाएगा। किसने मारा उस औरत को बेटा? हाँ कुमार, मम्मा के हाथ ने गन है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये इल्जाम नहीं है मैडम,
हकीकत है। ये सब झूठ है। क्या किया मेरी बेटी के साथ, क्या किया आप लोगों ने? हाँ माना कि मैं सौतेली माँ हूँ, पर मैंने उसे सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। तो फिर आपकी सौतेली बेटी आप इल्जाम क्यों लगा रही है? ऑफिसर मुझे नहीं पता कोमल मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है, मुझे नहीं पता। मैंने सपने में भी कोमल के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, कभी नहीं। किसने मारा उस औरत को झील महल में 10 साल पहले? अभय अंकल, अभय अंकल के हाथ में गन नहीं। तो तुम सब लोग मिलके ना मुझे फंसा रहे हो। ये उन तीनों की चाल है, माँ बाप और बेटी की, और जिसमें तुम लोग भी शामिल हो। एक बात बताओ, कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो अपनी बीवी को मारकर खुद अपनी जगह पर दफनाएगा? बोलो। और मैं उस कल्पना को क्यों मारूंगा? मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था। कोमल, 10 साल पहले झील महल में तुमने किसे देखा था? किसने मारा उस औरत को? पापा, मैंने पापा को देखा। पापा एक गन के साथ है। झूठ बोल रही है कोमल, वो मुझे वहां कैसे देख सकती है जबकि मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, मैं फ्लाइट में था। उसने विकास को देखा होगा झील महल में। यशवंत जी, तुम्हें कैसे पता चला कि विकास झील महल में था और उसी ने कल्पना को मारा? फंस गए ना हैं? हमने कोई रिग्रेशन का सेशन नहीं किया कोमल के साथ, ये तो बस एक नाटक था सच उगलवाने का, और तुमने सच बता ही दिया है? चलो अब ये भी बताओ, क्यों मारा तुमने कल्पना को? क्यों मारा? कल्पना वापस आना चाहती थी। उसके वापस आने से एक तो मैं माला को खो देता, और दूसरा कल्पना की सारी प्रॉपर्टी जो कोमल के नाम पे थी मेरे हाथ से निकल जाती। कैसे बाप हो तुम? दुनिया का हर बाप अपनी औलाद के लिए जायदाद इकट्ठा करता है, और तुम तो अपनी बेटी की जायदाद हड़पने निकले। वाह! मैं कोमल का असली बाप नहीं हूं। क्या? मैंने कल्पना से सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। कोमल दरअसल कल्पना की पहली पति की बेटी है, और ये बात सिर्फ मैं और कल्पना ही जानते थे। और कुछ समय साथ में रहने के बाद कल्पना ने तुम्हें तलाक दे दिया? तलाक देने के लिए मैंने एक शर्त रखी थी उसके पास। मैंने कहा था कि डिवोर्स पेपर पर तभी साइन करूंगा जब वो मुझे सारी प्रॉपर्टी दे देगी, पर वो बहुत चालाक निकली। उसने उल्टा शर्त रखा, कहने लगी कि तो सारी प्रॉपर्टी कोमल के नाम कर देगी, जब तक मैं कोमल का ध्यान रखूंगा तो जायदाद मेरी होगी, और वो कोमल को छोड़कर चली गई किसी और के साथ। और 2-3 साल बाद अचानक उसका फोन आता है कि वो वापस आना चाहती है मेरे पास, कोमल के पास, कोमल के प्रॉपर्टी के पास। मारा कैसे कल्पना को तुमने? मैंने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, विकास, अन्वेषा, मेरा ड्राइवर संपत को, और कल्पना को एक प्यार से फोन किया और उसे बताया कि वो झील महल आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। और कल्पना झील महल में आई और तुमने उसे मार दिया? मैंने नहीं मारा, विकास और अन्वेषा ने मारा। मैं तो न्यूयॉर्क के फ्लाइट में था। कि कोमल बीच में कहां से आ गई, उसने खून होते हुए कैसे देख लिया? बहुत जिद्दी लड़की है। विकास जब झील महल के लिए निकल रहा था तो कोमल ने जिद पकड़ ली कि वो भी चलेगी साथ,
बस मजबूरन उसे लेकर आना पड़ा। विकास ने उसे एक आइसक्रीम दिलाई और उसे कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो, पर विकास गाड़ी का दरवाजा लॉक करना भूल गया और कोमल पीछे पीछे आ गए। उसने सब कुछ देख लिया। जाने के डर से तुमने संपत से उसे धक्का मरवा दिया। वो बच तो गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसके याददाश्त चले जाने से हमारा रास्ता साफ हो गया और हमारा डर भी खत्म हो गया। फिर अन्वेषा को क्यों मार दिया? अन्वेषा का बिजनेस डाउन चल रहा था तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि कल्पना की मौत के बारे में सबको बता देती, मजबूरन मारना पड़ा। एक गुनाह छुपाने के लिए तुमने तीन तीन गुनाह किए। अपने बीवी को मारा, दोस्तों को मारा और बेटी को दो बार मारने की कोशिश भी की सिर्फ पैसों के लिए। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।